कांवड़ यात्रा में नाम लिखने के विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों को लिखना होगा नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में नजर आने लगा पुलिस के फरमान का असर। कई दुकानदारों ने अपने रेस्टोरेंट और ढाबे पर नाम लिखवाए। कांवड़ यात्रा के दौरान नाम पर मचे घमासान पर नरम पड़े मुख्तार अब्बास नकवी के सुर। कहा आस्था को लेकर सवाल नहीं है, लेकिन आस्था के नाम पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम लिखे जाने के मसले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करती है। नाम लिखने के मुद्दे पर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। कहा हिंदू देवी देवता के नाम पर मुस्लिम समाज के लोग दुकान का नाम रख लेते हैं, दुकानदारों की पहचान होनी चाहिए। उजागर बीएसपी प्रमुख मायावती ने आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। कहा दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने का नया सरकारी आदेश एक गलत परंपरा है, फैसले से बिगड़ सकता है सौहार्दपूर्ण वातावरण। दुकान पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर ओवैसी ने पूछा कहां गया संविधान, मोदी जी संविधान को उठाकर चूमते हैं, सब नाटक है, खुलकर सामने आ रहा है ये मुसलमानों से नफरत करते हैं। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्र महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने फैसले का स्वागत किया है। पूछा क्यों सियासी दल और मुस्लिम समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है। यूपी बीजेपी में विवाद के बाद एक्शन में आ गई आरएसएस। 20-21 जुलाई को आरएसएस और यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक है, दो दिन की बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आरएसएस बीजेपी की बैठक को लेकर पांच बड़े नेताओं को लखनऊ में रहने के निर्देश। सीएम योगी, बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा, ट्रेन के नीचे एक और शव बरामद हुआ, रेल हादसे में मौत की संख्या 4 पहुंची। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेल हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मरम्मत जारी है। डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई थी कल, हादसे में 4 लोगों की मौत, तकरीबन 30 लोग घायल। रेल मंत्रालय ने सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवार को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट का दावा, हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी, यूपी एटीएस ने साजिश के एंगल से जांच शुरू की। रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने कहा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है, केंद्र से पूछा सरकार को होश कब आएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट, रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, कवच जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार हो रहे हैं, आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद भरतलाल की अंतिम विदाई, रायपुर में नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, डोडा में आतंकी हमले में 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेव ने डोडा में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है, जवानों से बातचीत की है, आधुनिक हथियारों और तकनीक के इस्तेमाल और सेनाओं को खुली छूट देने पर चर्चा। नीट मामले में पटना से रांची तक सीबीआई का एक्शन जारी है, रांची रिम्स से एमबीबीएस की एक छात्रा हिरासत में, सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक, कल पटना एम्स के 4 छात्र गिरफ्तार हुए। यूपी पीसीएस जे परीक्षा 2022 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, सोमवार को होने वाली सुनवाई में आयोग के चेयरमैन को देना होगा हलफनामा। हैदराबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह का लगाया जा रहा पता, आग से दुकान मालिक को बड़ा नुकसान।
राजस्थान के बीकानेर में ट्रेलर से टकराई कार, हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, एक बच्ची घायल, घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जमीन विवाद में मारपीट, एक युवक ने दूसरे युवक को बेल्ट से पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के जालना में पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरी सवारियों से भरी जीप, हादसे में 7 लोगों की डूबकर मौत हो गई, 6 लोग हादसे में घायल हुए हैं, घायलों का इलाज जारी है। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश, बारिश के चलते रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ, कई ट्रेन रद्द की गई, बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजगढ़, रायसेन, बैतूल समेत 5 और कल 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर 100 के पार है, प्याज के दाम ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। अगले कुछ दिन तक सब्जियों के दाम कम होने के आसार नहीं है। भारत नेपाल की सीमा से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बराज से छोड़ा जा रहा पानी, नेपाल से आए बारिश के पानी से कई गांव में बाढ़ आ गई है, सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। आंध्र प्रदेश के एलुरू में पानी के तेज बहाव में स्कूल बस फंस गई, स्थानीय लोगों ने धक्का लगाकर बस को किनारे लगाया, बारिश के चलते एलुरू के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव, तालाब में तब्दील हो गई सड़कें, शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भरा। रेवाड़ी में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के भीतर नदियां बह रही हैं, जलभराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है, जगह जगह जाम जैसे हालात। मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश से उफान पर नेवरी नदी, नदी के बहाव के बीच फंसा ट्रैक्टर लोगों ने रस्सी से निकाला। सिवनी में नदी से रेत निकालने के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ा, ट्रैक्टर को नदी में छोड़कर भाग गए थे लोग, जलस्तर कम होने पर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तेलंगाना में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचा लिया गया है, 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।